कितना रह गया? बाहर निकल गया, पानी निकाल। ये देखें, बैक कैमरे से आपको चेक करवाता हूँ, वैसे सारा व्यू नहीं नज़र आ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा शहज़ाद, आप देख रहे हैं देसी रंग। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारे जो है ना सिटी में और गांव में बहुत ज़्यादा बारिश है। मैं बाज़ार गया हुआ था, आप देख रहे होंगे कि भीगा हुआ हूँ कैसे। चेक करें जो है ना, वो जूता भी सारा भीग गया है और बारिश अभी भी बहुत तेज़ जो है ना वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। ये आप चेक कर रहे होंगे, बारिश जो है ना दोबारा लग गई है। तो अभी मैं जूता चेंज करके, तो ये चेक करें जूता भीग के जो है ना वो सारा ख़राब हो गया है। तेज़ बारिश थी, बारिश में तो मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में आपको पता मोबाइल का मसला भी होता है। तो अभी जूता चेंज करके नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि हम अब क्या करने लगे हैं। ये आप गली का मंजर देख लें, कच्ची गली है और कैसे इसमें स्लिपिंग बनी हुई है। ये देखें, ये चाचू की हवेली है और उन्होंने जो है ना वो हवेली बनाई हुई है। साइड ज़मीन जो है उसमें पानी निकालने के लिए जो है ना वो ईंट निकाल रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कैसे वो लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये इन्होंने क्या हाल बनाया होगा। क्या कर रहे हो भाई? ये हवेली बनाई है तो इसका पानी नहीं निकल रहा। हम कह रहे हैं पानी नहीं निकल रहा, ईंट लगा रहे हैं तभी तो पानी निकलेगा जब ईंट निकलेगी। अच्छा अच्छा, ये हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेक करें, इन्होंने ना साइड पे होना यार थोड़ा, ये इन्होंने काफी निकाल लिया है। तो ये लगे हुए, बारिश बहुत तेज लग गई है फिर दोबारा। ये चेक करें, अभी भर्ती डाली थी आपको शायद लास्ट वीडियो कुछ एक मंथ पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें हम जो है ना वो भर्ती डाल रहे थे, साथ चाचू भी थे। तो अभी उन्होंने मिट्टी और डलवाई है लेकिन उन्होंने जो है ना वो अभी लेवल नहीं किया उसका। तो पानी ये देखें कैसे जो है ना वो सारी जगह जगह पे खड़ा है, और वो जो उस साइड बुनियाद है उससे साइड से निकल रहा था पानी जो है ना, वो सारी दीवार ख़राब कर रहा था। उस्मान आप काटना, चेक करें बारिश बहुत तेज है, मोबाइल भी बारिश से भीग गया है। ये बारिश की वजह से खुद ही जूम हो रहा है। ये पानी देखे कैसे खड़ा हो गया एक जगह पे, ऐसे तो बैठ जाएगी दीवार अगर पानी ना बाहर निकला तो। और बारिश फिर बहुत तेज है, मैं मंडी गया था यकीन माने इतनी ज्यादा बारिश थी कि रोड जो है ना वो पानी से भरे हुए थे, ऐसे था जैसे कोई नहर है। खत्म करो यार उस्मान, बड़ी तेज बारिश है, कितनी देर और लग जाएगी? यार इतना थोड़ी सारी नीवी करो ना, इतना थोड़ी थोड़ी नीवी करो ना फिर। पानी निकल रहा है, करल किथे पई है? कितने करल पाएगी? ये देखें कितनी बैठ गई है, और पानी इधर से वो कह रहे हैं कि बाहर दूसरी साइड पे निकल रहा है। उस साइड पे निकल रहा है जी, आए उस साइड देखते हैं। ये देखें, ये हमने लगाई हुई थी धनिया था शायद और पालक थी, कुछ सब्जी लगाई थी और वो भी ऐसे। ये देखें ना पानी कैसे खड़ा है, डूबी पड़ी है। देखें उधर वो, देखें धनिया नहीं उगा और इधर हमारे पालक लगी हुई। चलो उधर मान बाहर देखते हैं उधर क्या बना हुआ है। चलें आपको बाहर का थोड़ा मंजर दिखाते हैं।
अभी तो इतनी ज्यादा बारिश है और यार लग जाती है आराम नाल। मेरे अगे कपड़े गंदे। चले अब आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये देखें कैसे जो है ना वो कच्ची जगह कैसे हुई पड़ी है। ये देखें ये देख चेक करें कि कितना पानी निकल रहा है। ये नीचे गंदगी गोबर वगैरह भैंसे बांधते हैं इधर। और ये चेक करें ये दूसरी साइड से पानी जो है ना वो दीवार के अंदर से बाहर निकल रहा है। ये चेक करें भाई। इस वजह से अगर ऐसे ही रहने देते पानी तो वो सारी दीवार जो है ना उसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाती, क्योंकि नीचे से कच्ची दीवार है तो ये गिर जाता है, सारी बुनियाद जो है ना वो तहस नहस हो जाती। तो इन्होंने काफ़ी देर लगा के वो निकाल लिया। उस्मान हो गया ओके? अब बहुत तेज़ बारिश है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिर्ज़ा शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कौन क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो? ये बारिश की वजह से कैमरे पे जो है ना वो पानी पड़ गया है तो वीडियो साफ नहीं नज़र आ रही।